हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग्स इलेवन पंजाब के प्लेयर्स की। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में इन्होंने डेविड मिलर को रिलीज़ किया है दोस्तों, जो कि काफ़ी शॉकिंग है। तो दोस्तों आज इस बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं, ऐसा डेविड मिलर के साथ क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी और उसके रिप्लेसमेंट में ये टीम किन खिलाड़ियों के पीछे ऑक्शन में जाने वाली है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस साल पंजाब के हेड कोच के तौर पे जुड़े अनिल कुंबले ने इस बार टीम पर काफ़ी मेहनत की, अपने स्क्वाड में काफ़ी चेंजेस किए हैं और दोस्तों उन्होंने इस बार डेविड मिलर को टीम से रिलीज़ कर दिया है, जो कि काफ़ी शॉकिंग था। और सिर्फ डेविड मिलर ही नहीं, एंड्रयू टाय और सैम करन के नाम भी काफ़ी शॉकिंग थे। किसी को नहीं लग रहा था कि ये टीम इन्हें रिलीज़ करेगी बल्कि इन्हें रिटेन करेगी, पर दोस्तों इसके पीछे अनिल कुंबले की ये वजह थी कि ये तीनों प्लेयर की जो प्राइस मनी है वो काफ़ी ही हाई है। और दोस्तों इन सभी प्लेयर को रिलीज़ करने के बाद पंजाब के पास लगभग 40 से 42 करोड़ रुपए हो गए हैं, जो कि ऑक्शन में सबसे ज़्यादा पैसे हैं इस बार किसी भी टीम के पास। दोस्तों जहां डेविड मिलर को पंजाब की टीम ने 2017 में आरटीएम कार्ड देकर 3 करोड़ में वापस रिटेन किया था, पर दोस्तों इस बार उन्हें रिलीज़ कर दिया, क्योंकि दोस्तों 2017 तक उनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था, पर 2018-2019 के सीज़न में उनका प्रदर्शन बेकार रहा, जहां उन्होंने एक या फिर दो ही अर्धशतक लगाए हैं। इस बुरे फॉर्म के चलते अनिल कुंबले ने फैसला किया कि उन्हें टीम से रिलीज़ किया जाए। वहीं अगर रिप्लेसमेंट या कन्फर्म रूप से ऑक्शन में ख़रीदने की बात करें तो दोस्तों पहला नाम आता है एरन फिंच का। जी हाँ दोस्तों, जहाँ देखा गया है कि एरन फिंच गुजरात लायंस के लिए चौथे नंबर पर बैटिंग करते थे, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं पंजाब की टीम के लिए। तो दोस्तों ऑक्शन में ज़रूर पंजाब की टीम एरन फिंच के पीछे भागेगी। तो वहीं दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो दूसरे ऑप्शन के तौर पर इयान मॉर्गन ज़रूर टीम में शामिल हो सकते हैं। जहाँ दोस्तों इयान मॉर्गन एज अ फिनिशर काफ़ी अच्छे प्लेयर है, वहीं वो स्पिन को भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, साथ ही साथ उन्हें कप्तानी की भी अच्छी नॉलेज है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों केएल राहुल के साथ वो काफ़ी अच्छा मैचअप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा उनको भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और ये सब पंजाब को बेनिफिट करेगा। साथ ही एरन फिंच और इयान मॉर्गन की टीम में आने से दोस्तों ये दोनों साथी वो काम कर सकते हैं जो अभी तक इनके ओवरसीज़ बल्लेबाज या कोई भी बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पंजाब ने डेविड मिलर को रिलीज़ करके सही किया या नहीं, और इन्हें उनके रिप्लेसमेंट में किस खिलाड़ी को अपनी टीम में लेना चाहिए। तो दोस्तों बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।